अरे दोस्तों, कल हम लोग सगाई से बहुत लेट आए थे और अच्छे से हो गई थी सगाई। तो उसकी वीडियो मैंने अभी बंद नहीं करी थी, तो मैं उसी के आगे वीडियो बना रही हूँ। और वो इसलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि ना वहाँ पे गाने वाने चलने लग गए थे, तो फिर इसलिए मैंने फिर ज़्यादा बनाई नहीं। तो अभी शाम बनाती हूँ मैं शाम का डिनर। तो थोड़े कल की दाल बची हुई है, अभी थोड़ा सा चावल और थोड़ी बैंगन की सब्जी बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और सब्जी काटते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं बैंगन ले आई हूँ। ये आप सोच रहे होंगे ये ऐसे हैं, पर ये ख़राब नहीं है, ये ऐसी थे तितकम से, ख़राब नहीं है, ये सही है बैंगन। तो फ्रेंड चलिए, मैं इसको काटती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, ये देखिए, और इसको इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भूनने देते हैं, तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज हो गए। तो टमाटर डालने से पहले मैंने इसमें आलू डाल लेती हूँ ताकि जो हमारे आलू हैं वो भुन जाएं और गल जाएं। टमाटर डालने के बाद काफ़ी टाइम लगेगा आलू गलने में, इसलिए पहले डाल देती हूँ मैं। और जब भी आलू हो जाएगा और तब मैं उसमें टमाटर डालूँगी। और इसको अच्छे से भूनने देती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक ताकि जल्दी भून जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसको ना भुनने देते हैं थोड़ी देर, इसको ना ढक देते हैं तो जल्दी से भुन जाएगा ये। तो फ्रेंड्स ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए भून चुके हैं हमारे आलू भी थोड़े बहुत। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। तब तक इसे हम ढक देते हैं। देखिए इस गैस पे मैंने चावल चढ़ा देते हैं, इससे गैस भी चालू कर देते हैं, साथ साथ चावल भी बन जाएंगे और सब्जी भी बन जाएगी। दाल तो पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स आप मेरा वो एंगेजमेंट वाला वीडियो देखना, आप बताना आपको कैसा लगा वो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ अच्छा है, फार्म हाउस है, कैसा है वो। तो चलिए फ्रेंड, जब तक ये चावल होते हैं, सब्जी ये होती है, तब तक तो फ्रेंड्स अब एक बार हम इसको देख लेते हैं। टमाटर फ्रेंड्स अभी ना इसमें ना बैंगन डाल देते हैं अपने जो हमने काट के रखे हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। और साथ साथ इसमें डाल देते हैं मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए देख के डालिएगा सब्जी के हिसाब से। और अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च और
धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये मैं ना सब्ज़ी सूखी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी लटपटी सी बनाऊंगी, इसलिए हम ना इसमें अब थोड़ा सा ना पानी डाल देते हैं, 1-2 चम्मच, और इसको ना सिम पे पकने देते हैं, इसको ढक देते हैं एक बार मिक्स करके अच्छे से, ताकि मसाले पूरी सब्ज़ी में आ जाए। देखिए अब मैं इसे ना ढक देती हूँ। गैस मैंने सिम पे कर दी है, जब तक ये दोनों चीज़ें बनती हैं तब तक मैं और काम करके आ जाती हूँ, तब तक पूजा करके आ जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सब्जी बन चुकी है, देखिए चावल के साथ खाने लायक हो गई है ये। देखिए आलू भी गल चुका है सब कुछ, ये है और ये दाल है कल की, इसको गरम कर लेंगे, ये सब्जी हो गई और इधर चावल भी बन चुके हैं। देखिए इसमें चावल है, ये देखिए, तो बंद कर देती हूँ गैस को। और फ्रेंड्स इस सब्जी की गैस भी मैं कर देती हूँ बंद, और ये हमारा आज का डिनर है रात का। देखिए बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको आज का ये सब अच्छा ठीक लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।